हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को। और यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया है इसको आप अपन ध्यान से एक एक चीज़ देखेंगे। डीसी मशीन जो है वो इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और वाइस वर्सा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन। यहाँ पे डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी होता है और डीसी मोटर भी होता है। कंस्ट्रक्शन उसका सेम ही होगा और वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा आप। चलिए आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। तो वो सबसे पहले देखिए, कंस्ट्रक्शन में ये जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है, ये इसमें जो योक वगैरह, ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है ये स्टेशनरी पार्ट है। मतलब ये मूव नहीं होगा, ये स्टेटर है। और जो ये जो इंटरनल पार्ट दिख रहा है ये पूरा रोटेट होगा, इसलिए इसको हम मैं रोटर भी बोल रहा हूँ। तो बाहर का जो पार्ट हो गया वो स्टेटर और अंदर का जो पार्ट हो गया वो रोटर। अब जो बाहर का पार्ट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो आउटर सर्कल दिख रहा है आपको, ये जो आउटर फ्रेम दिख रही है इसको हम बोलेंगे योक। इसके ये सबसे आउटर बॉडी है डीसी मशीन की और इसके यहाँ पे दो वर्किंग है, यहाँ पे दो इसके पर्पस हैं। सबसे पहले तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा पूरी इंटरनल असेंबली को, डैमेज से प्रिवेंट करेगा और कोई भी जो बाहरी जो अपना मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह है उससे इसको ये प्रिवेंट करेगा और ये कवरिंग प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो योक है या मैग्नेटिक फ्रेम या जो फ्रेम जो है ये आउटर बॉडी है हमारी, और इसके साथ ये जो बेस है इससे ये जो मशीन है ये फिक्स होगी या रखी होगी ज़मीन पर। एक्चुअली ये कट सेक्शन है इस मशीन का, ये मशीन जो होगी पूरी सिलेंड्रिकल शेप में होगी। और ये जो योक है, मैंने आप इसको बताया कि ये बाहरी जो पोर्शन है ये योक है, इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना मशीन को, इंटरनल असेंबली को, अंदर जो चीज़ें हैं उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, आउटर कवरिंग देना, और दूसरा इसका जो पर्पज़ है वो है लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे सारा काम होगा। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ब्लॉक नहीं करेगा, तो कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की, ये स्टील की बनी होगी जो योक है, आउटर कवरिंग कास्ट आयरन की यूजुअली बनी होती है। और इसके बाद देखिए, इसमें इंटरनल यहाँ पे जो इंटरनल पेरिफेरी है यहाँ पे चार यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए पोल्स, यहाँ पे चार पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के पोल्स हैं ये। और इसका जो शेप है इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है ये पोल कोर है, इसको हम पोल कोर बोल रहे हैं। और ये जो जो प्रोजेक्टेड बाहर की ओर निकला हुआ है ऐसा प्रोजेक्टेड है, इसको हम पोल शू बोल रहे हैं, पोल शू। इसका मतलब जो हमारे पोल हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, उसके शेप में एक तो पोल कोर है इंक्लूड होगी, मतलब इसमें दो चीज़ इंक्लूड होगी कोई भी पोल में, एक तो पोल कोर, ये जो वर्टिकल पोर्शन है, एक्चुअली सिलेंड्रिकल होता है, तो ये वर्टिकल पोर्शन जो होगा ये पोल कोर, और ये जो नीचे का प्रोजेक्टेड पोर्शन है वो है पोल शू। तो इसको ऐसा आप क्यों बनाया पोल शू को, और ये भी हमारा पूरा लेमिनेटेड स्टील से बना होगा, इसके लॉसेस वगैरह जो एडी करंट लॉस, स्ट्रेसेस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये लेमिनेटेड स्टैम्पिंग से बने होंगे पोल्स, और सिलिकॉन स्टील के बने होंगे ताकि स्ट्रेसेस लॉस भी कम हो। और ये जो प्रोजेक्टेड है बाहर की ओर निकला हुआ है, इसके पीछे भी दो रीज़न है। एक तो पहला, ये जो वाइंडिंग है यहाँ पर, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये पोल्स के ऊपर फील्ड वाइंडिंग वाउंड है जिसमें डीसी सप्लाई दी है, तो ये वाइंडिंग को वाउंड करके रखेगा, इसको ये होल्ड करके रखेगा प्रॉपरली। और दूसरा इसका जो मेन पर्पस है वो है जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड है एयर गैप में, उसको यूनिफॉर्म करना। मतलब देखिए, अगर ये प्रोजेक्टेड बाहर की ओर नहीं निकले होते तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं हो पाता और पूरा यूज़फुल फ्लक्स नहीं होता वो हमारे लिए। तो हमने क्या किया है, इसको ये जो पोल शू हैं ये प्रोजेक्ट कर दिए हैं, ज़्यादा इसको फैला दिया है ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होगा इस अंदर के पोर्शन में। तो इस तरीके से ये पोल काम करेंगे। फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जो पोल कोर है ये ऐसा सिलेंड्रिकल शेप है, पोल शू जो है वो प्रोजेक्टेड है बाहर की ओर निकला हुआ है सारे पोल्स में ऐसे। ये देखिए चार पोल हैं यहाँ पर, और ये जो इसका जो पोल शू का जो पर्पज़ है,
वो वाइंडिंग को एक तो होल्ड करेगा प्रॉपरली, और दूसरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इनसाइड द मशीन उसको वो मोर यूनिफॉर्म करेगा, ज़्यादा यूनिफॉर्म करेगा, ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करेगा। तो ये हमारा पूरा स्टेटर पोर्शन हो गया। इसमें हमारा बाहरी पोर्शन जो है वो योक है या फ्रेम है, और उसी में अंदर जो है पोल्स फिटेड हैं, और पोल्स में पोल कोर और पोल शूज़ हैं। और जो इंटरनल पार्ट दिख रहा है यहाँ का अंदर का फ्रेंड्स, ये है आर्मेचर की कोर, जो रोटेटिंग आर्मेचर है उसकी कोर है। इसमें भी देखिए इसकी जो पेरिफेरी है ये भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा, ये कट सेक्शन है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसमें यहाँ पे ये स्लॉट्स कट किए गए हैं, और ये जो कोर है इसकी ये भी पूरी लेमिनेटेड स्टैम्पिंग से बनी होगी और सिलिकॉन स्टील से बनी होगी, सो दैट इसमें एडी करेंट और हिस्टेरेसिस लॉस यहाँ पे मिनिमाइज होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पेरिफेरी है उस पर कट्स बने हुए हैं, और ये कट को बोलते हैं हम स्लॉट्स। और ये जो स्लॉट हैं इसमें जो ये सर्कल में दिख रहे हैं ये आर्मेचर के कंडक्टर हैं, और ये आर्मेचर की वाइंडिंग अंदर ऐसे इसकी पेरिफेरी पे ऐसी वाउंड की जाती है और इसको रखा जाता है इस तरीके से। तो ये जो आर्मेचर कोर है उसकी जो आउटर पेरिफेरी है उस पर आर्मेचर कंडक्टर होंगे और आर्मेचर वाइंडिंग भी जिसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और इसके अंदर जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये कम्यूटेटर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस मशीन का, डीसी मशीन का पार्ट है। ये मैं आपको अभी वर्किंग प्रिंसिपल के मैं बताऊंगा कि इसका क्या फंक्शन है। ये डीसी को एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। और ये जो सबसे सेंटर में ये शाफ्ट है, और यहाँ पे ये दो ब्लैक आपको दिख रहे होंगे ये ब्रशेज़ हैं फ्रेंड्स, ये कार्बन के यूजुअली बने होते हैं ब्रशेज़। इसके फंक्शन भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें अभी वर्किंग प्रिंसिपल में। तो फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि जो रोटर है अंदर का, जो अंदर का रोटेटिंग पार्ट है वो आर्मेचर है। आर्मेचर जो होगा, आर्मेचर की कोर है ये पूरी, और ये आर्मेचर की कोर सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग से बनी होगी, और इसके आउटर पेरिफेरी पे कट होंगे, और वो जो कट होंगे ये दो टूथ कहलाते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो स्लॉट है, और स्लॉट में आर्मेचर के कंडक्टर रखे होंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो उसके अंदर जो पोर्शन दिख रहा है ये सर्कुलर, ये सर्कुलर कम्यूटेटर है, और इसमें जो जो ब्रशेज़ हैं ये फिक्स हैं, ये रोटेट नहीं करेंगे। तो ये ब्रशेज़ दिख रहे हैं, इनका काम है करंट को कलेक्ट करना। तो ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, यहाँ पे ये ब्रश भी बने हुए हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे डीसी मशीन मतलब डीसी मोटर एज वेल एज डीसी जनरेटर, दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे इसी से हम समझ सकते हैं दोनों को। तो चलिए आइए देखते हैं डीसी मोटर कैसे वर्क करती है। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले डीसी सप्लाई दिया हमने इसको फील्ड वाइंडिंग को। इसको फील्ड वाइंडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रहा है। अब हमने हमको पता है फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि व्हेनेवर वी प्लेस अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट है और ये जो फील्ड है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें यहाँ पे इसको कट कर रहा है ये। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें टॉर्क डेवलप होगा और ये मोटर रोटेट होगी। अब जैसे मोटर यहाँ पे रोटेट होगी, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रोटेशन डीसी मशीन है, तो हमने इसको डीसी सप्लाई दिया है यहाँ पर, और डीसी सप्लाई दिया है और डीसी से रोटेशन नहीं मिलेगा तो कम्यूटेटर क्या करेगा, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और फिर उससे रोटेशन मिलेगा हमको फ्रेंड्स। तो जो डीसी मशीन है, डीसी मोटर है, उसमें डीसी सप्लाई देते हैं हम, तो कम्यूटेटर का फंक्शन होता है कि इंटरनली जो है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रोवाइड करना है यहाँ पे, तो जो डीसी को वो एसी में कन्वर्ट करेगा और मशीन में अंदर देगा इन केस ऑफ मोटर। और जनरेटर में फ्रेंड्स देखिए अंदर जो मशीन के अंदर जो जनरेट होगा, यहाँ पे ईएमएफ जो जनरेट होगा वो एसी जनरेट होगा आर्मेचर कंडक्टर में, और उस हमको क्योंकि डीसी जनरेटर है तो आउटपुट पे डीसी चाहिए, तो ये जो कम्यूटेटर है यहाँ पे वो क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट टर्मिनल्स पे देगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटर के दो काम हो गए। अगर डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में हमने क्या किया, डीसी सप्लाई दिया और डीसी सप्लाई को वो एसी में कन्वर्ट करेगा और उससे फिर हमको रोटेशन मिलेगा। और वाइस वर्सा अगर हम यहाँ पे जनरेटर की बात करें तो अंदर एसी जनरेट होगा
और एसी जनरेट होगा तो उससे हमको आउटपुट पर डीसी चाहिए, तो ये कम्यूटेटर डीसी में इसको कन्वर्ट करके हमको आउटपुट पर देगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ब्रशेस हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो जो आउटपुट टर्मिनल हैं इस पे प्लेस्ड हैं, क्योंकि जब भी मशीन रोटेट होगी तो यहाँ पे जो स्टेशनरी, कोई भी स्टेशनरी पार्ट रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन होता है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस कम्यूटेटर पे ये ब्रशेस को प्लेस्ड कर देंगे, ताकि, और ये ब्रशेस के हेल्प से हम आर्मेचर से आउटपुट पे, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका काम है आउटपुट पे करंट को ले जाना जनरेटर के केस में, और मोटर के केस में जो है करंट को बाहर से अंदर की ओर लाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो करंट कलेक्ट करने का काम होगा जनरेटर के केस में, वो ब्रशेस से हम करंट को कलेक्ट करेंगे, और ये ब्रशेस जो होंगे ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ पे स्पार्किंग वगैरह नहीं होगी, और ये प्लेस्ड होंगे रोटेटिंग पार्ट पे, और ये इस पर ये फिक्स्ड होगा, इसके कांटेक्ट में होगा ब्रश। तो यहाँ पर ब्रश ऐसे मटेरियल का, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन, सॉरी सॉफ्ट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रश जो होगा करंट को बाहर ले जाएगा डीसी जनरेटर के केस में, और डीसी मोटर के केस में ये करंट को अंदर देगा फ्रेंड्स। तो ये जो ब्रशेस हैं इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये ब्रश क्या करेंगे, ये स्टेशनरी हैं, ये इस पर प्लेस्ड हैं, और ये कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं, ये कार्बन के ब्रशेस हैं, सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए हैं, ताकि क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन मिनिमाइज होगा, और यहाँ पे करंट को कलेक्ट इजीली किया जा सकेगा। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसका अंदर का पार्ट। तो ये हमारा अंदर का पार्ट रोटर है, और इसमें ये जो आर्मेचर कोर है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर प्लेस्ड है, इसमें कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स, जो डीसी मशीन एक्चुअली उसमें एसी जनरेट होता है, तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी जनरेटर में, क्योंकि हमको डीसी सप्लाई चाहिए इसलिए वो डीसी जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पे एसी जनरेट हुआ उसको वो डीसी में कन्वर्ट करके ये आर्मेचर कंडक्टर से हम बाहर की ओर करंट ले लेंगे, और अगर हमारा ये डीसी मोटर है तो हम इसको डीसी सप्लाई ही देंगे, और जैसे ही यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे तो ये कम्यूटेटर फ्रेंड्स क्या करेगा, इसको एसी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर यहाँ पे इससे रोटेशन होगा। वेन एवर वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड टॉर्क विल डेवलप। तो इस तरीके से ये जो डीसी मोटर होगी वो रोटेट होगी। तो ये फिर से एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो बाहर का पार्ट हो गया, स्टेशनरी पार्ट है, वो है योक या फ्रेम। ये जो है इसका फंक्शन है आउटर कवरिंग देना, और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना, और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना, ताकि इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाए। फिर यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो है किस पर वाउंड है, पोल्स पर वाउंड है, पोल में भी पोल कोर हैं और पोल शूज़ हैं। इस तरीके से ये पोल का कंस्ट्रक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे पोल्स, यहाँ पर नॉर्थ साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगी। और फिर ये अंदर जो सिलेंड्रिकल शेप का ये जो आर्मेचर कोर है, इसकी पेरिफेरी पे आर्मेचर कंडक्टर होंगे, और ये आर्मेचर कंडक्टर और ये अंदर जो दिख रहा है ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर एसी को डीसी और डीसी को एसी करेगा, और ये जो आर्मेचर कंडक्टर से जो करंट हम कलेक्ट करेंगे जनरेटर के केस में ब्रशेस के थ्रू करेंगे, और अगर मोटर है तो हम इसमें ब्रशेस के थ्रू ही यहाँ पर इसको करंट देंगे, सो दैट हमको यहाँ पर रोटेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें कोई डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।